नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको सिखाने जा रहा हूँ कि पुराने कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाए। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है पूरे वीडियो को देखिए, आपको बताता हूँ वन बाय वन करके कैसे इंटरनेट चलाते हैं पुराने कंप्यूटर के अंदर। देखिए दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है ना, इसके अंदर 2 GB का रैम लगा हुआ है, इंटेल पेंटियम डुअल कोर का CPU है और Windows 7 लोडेड है। आजकल Windows 10 और Windows 11 आता है, लेकिन Windows 7 है और इसमें ही आपको इंटरनेट चलाना है इस कंप्यूटर में, बताते हैं आपको मैं, ठीक है, दो तरीके से। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है ना, हर कंप्यूटर में आपको आज के डेट में USB पोर्ट मिल जाएगा। USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है। आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना हो, आपको माउस कनेक्ट करना हो, आपको प्रिंटर कनेक्ट करना हो, तो वो चाहिए। उसके अलावा इंटरनेट चलाना हो तभी USB पोर्ट चाहिए। USB पोर्ट किसे कहते हैं आपको दिखाते हैं। मैं इस कंप्यूटर को मोड़ लेता हूँ, देखिए इसको मैं मोड़ लेता हूँ और पीछे आप देखेंगे, दिख रहा पीछे आपको, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB पोर्ट दिया हुआ है। अब कंप्यूटर के अंदर PS2 पोर्ट बहुत कम आते हैं, PS2 पोर्ट नहीं आते, USB पोर्ट है। अब देखिए, एक कीबोर्ड लग गया है, एक माउस लग गया है और अब 2 USB पोर्ट के अंदर हमको इंटरनेट चलाना है सिंपल तरीके से। देखिए, जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, क्योंकि आज के डेट में एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है और मोबाइल में आप लोग इंटरनेट जरूर चलाते होंगे, इंटरनेट चलाते हैं, इसी इंटरनेट का इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर में चलेंगे और इसी इंटरनेट के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, एक तो चाहिए आपको ये मोबाइल फ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड किसी कंपनी का हो कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हॉटस्पॉट होता है, इसका इंटरनेट ऑन करके अपने आप कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो दो तरीके से चला सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक जो ये पड़ा हुआ तार जो कि इसको चार्ज करते हो, वो तार है, और उसके अंदर पड़ा हुआ एक वाईफाई डोंगल छोटा सा, देखिए ये, तो बिना तार कनेक्ट किए ना, ये इसके बिना कनेक्ट किए इसमें इंटरनेट चल जाए मोबाइल से, तो दोनों से कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है इसको वाईफाई डोंगल कहते हैं, ये 150 रुपये से शुरू होकर के 500-600 तो मिल जाता है। नॉर्मल मार्केट में जाएंगे, जेब्रोनिक्स का, SS कंपनी का लेंगे तो 150 या 200 का आपको मिल जाएगा। ये सिंपल तरीके से बोले किसी से, मुझे वाईफाई डोंगल चाहिए, ये जब खरीदेंगे तो आपको इसके साथ एक CD मिलेगा, छोटा सा CD को जो है इंस्टॉल करना पड़ता है और इसको लेकर, और विंडो 10 अगर आपके कंप्यूटर में अगर हो तब तो आपको CD उतनी पड़ती लगा के मैक्सिमम बार जो है इंस्टॉल हो जाता है। तो हमने जो है इसके CD मिली हुई, तो इसको ला के लोड कर दिया है, तो देखिए इसके माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं और इसके इस तार के माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं। दिखाते हैं पहले क्या करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो है ये वाईफाई पड़ा हुआ दिख रहा है, देखिए वाईफाई डोंगल है, और देखिए बता रहा हूँ USB, तो ये जो कनेक्टिविटी है इसकी USB है, मतलब USB के थ्रू कनेक्ट होगा। तो देखिए, इसमें 4-5 USB पोर्ट दिया हुआ है, मैं किसी भी पोर्ट में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मान ली मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, जब कनेक्ट कर दिया ये कनेक्ट हो चुका है। अब वो क्या करना पड़ेगा, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रखा हूँ, तो इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया हमने है। तो जब इसको लगा देंगे तो अब कंप्यूटर में क्या सेटिंग करना पड़ता है आपको बताता हूँ, चलिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, USB लगा दिया, ये लगा दिया है जबरदस्त कंपनी का, इसको मैं घुमा देते हैं, मान लीजिए मैं इसको घुमा देता हूँ, क्या करना है जब घुमा देंगे तो देखिए हमारे ये जो ये कंप्यूटर दिया हुआ है, ये कस्टमर का कह रहा है तो आपको सिखा ही रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक पीले रंग का साइन बन के आ चुका है, दिख रहा है आपको, पीले रंग का साइन बन चुका है, ये बता रहा है कि इसके अंदर वाईफाई लग गया, डोंगल लग गया, इसका इंडिकेटर है। अगर हम उस डोंगल को निकाल देंगे ना तब यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अब इंटरनेट चलाना अगर है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो मोबाइल फ़ोन मेरा है इसके अंदर जो इंटरनेट चलना है ना, इसमें एक फीचर होता है हॉटस्पॉट, इसको चलाने के लिए सिंपल तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे चलाने के लिए, यहाँ जाएंगे और जाने के बाद में इस पर देखिए ऊपर सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग, इस पर हम सेटिंग में क्लिक करेंगे, इस पर सेटिंग में क्लिक किया हमने करके, और देखिए इसमें ये खुल के आ गया, इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, कनेक्शन दिख रहा है, कनेक्शन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्शन पे, और इस कनेक्शन के अंदर जब आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा मोबाइल हॉटस्पॉट, दिख रहा है ये कनेक्शन, ये दिख रहा है ना आपको मोबाइल हॉटस्पॉट थिएटरिंग, हम इसको ऐसे क्लिक कर देते, यहाँ क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिएगा मोबाइल हॉटस्पॉट लिख कर रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, ये बंद है, इसको सिंपल तरीके से हम यहाँ से ऐसे ऑन कर देंगे। जब यहाँ ऑन कर देंगे, देखिए हमने ऑन कर दिया यहाँ पर, ऑन करने बाद में अब देखिए, अब मेरे मोबाइल फ़ोन का नाम जो है ना, उस चेक करना क्या नाम हमारे मोबाइल फ़ोन का है, तो यहाँ मैं क्लिक करके मोबाइल फ़ोन का नाम चेक करने पर, तो देखिए बता रहा हमारे फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी, देख रहा आपको, सैमसंग गैलेक्सी F62
फ़ोन नंबर है, ये हमारा फ़ोन ये है, और इसको करने के बाद में अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, अब अपने हमने ऑन कर दिया है तो अपने इस कंप्यूटर के अंदर देखिए जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे देखिए यहाँ लिखा गया है गैलेक्सी F62, दिख रहा ना, ये गैलेक्सी F62 लिखा गया। तो सिंपल तरीके इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके कनेक्ट ऑटोमेटिकली। तो और पासवर्ड भी हमने डाल रखा अपने वाईफाई के अंदर, यहीं से चेक कर सकते हैं। तो हमारा पासवर्ड जो पड़ा हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दिख रहा ना आपको। यहाँ क्लिक करके हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जब कनेक्ट करेंगे तो कह रहा है इसमें आप पासवर्ड एंट्री करिए, ठीक है ना, कह रहा है पासवर्ड एंट्री करने के लिए हमारा जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने डाल दिया, और इसको हमने ऐसे करके सिंपल इसको हमने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया, देखिए सर्च करने लगा, ये दिख रहा आपको ना, ये यहाँ पे देखिए घूमने लगा, ये घूमने लगा है। अभी सर्च कर रहा है कि हमारा जो है इंटरनेट मोबाइल में ऑन है, तो हमारा जो है ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए सिग्नल लिखा विंडो 7 के अंदर, तो सिंपल ये वर्क नेटवर्क वाला है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, वर्क नेटवर्क बीच वाला है ये, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो देखिए अभी साइन इसका जो है पहले कैसे था, येलो हुआ है, आपको सेकंड और देख लेते हैं। तो ये जो येलो वाला साइन यहाँ से ना अभी सर्च करके चेंज हो चुका, ठीक है, अभी सीढ़ी में बन चुका है, इसका मतलब यहाँ पर नेट जो है कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए इस पर हम नेट चलाते हैं, नेट चलाने के लिए सिंपल देखिए हम गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी साइट का नाम देना है, जो भी खोलना है, यहाँ पर हम सिंपल W मान लीजिए जो भी चीज़ हमको यहाँ खोलना है तो हम गूगल पर जाकर इसे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया मोबाइल फ़ोन से, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से आप वाईफाई लगा के इंटरनेट चला सकते हैं, एक तरीका तो आपका ये हो गया जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। एक ऑप्शन आपको और बताता हूँ मैं कैसे, दूसरा ऑप्शन से कैसे करते हैं। तो एक ऑप्शन और भी है, जैसे कि इस तार के माध्यम से चलाना हमको है, तार के माध्यम चलाने के लिए हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे एक तार ये जोड़ देना है, यहाँ जोड़ेंगे और जो दूसरा पार्ट पड़ा हुआ है ये हम अपने कंप्यूटर में जोड़ेंगे। उसको करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर ना, देखिए मोबाइल फ़ोन में जाएंगे, मोबाइल फ़ोन में जाएंगे यहाँ पर, ये अपना पासवर्ड जो है उसको खोल लीजिए और देखिए यहाँ पर जा करके बैक आकर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे सेटिंग में ना, सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर, सेटिंग में जाने के बाद में उसके बाद जाएंगे कनेक्शन पे जाएंगे, देख लीजिए कनेक्शन पे जाएंगे, कनेक्शन पे और यहाँ मोबाइल हॉटस्पॉट एंड थिएटरिंग दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा USB थिएटरिंग लिख करके, USB थिएटरिंग। तो अभी दिख रहा है ये USB थिएटरिंग जो है ना डीहाइलाइटेड है, जब मैं तार कनेक्ट कर दूंगा तो ये जो है हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सिंपल तरीके से ये तार कनेक्ट करने के लिए, और तार कनेक्ट कहाँ होगा, USB पोर्ट में कनेक्ट होगा, तार जो है USB पोर्ट में कनेक्ट होगा। हमने कनेक्ट कर दिया और दिखाता आपको मैं कि कैसे, देखिए मैंने तार कनेक्ट किया हुआ है, ये पूछा अलाउ करने के लिए, हम यहाँ पे क्लिक करके इसको अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे और फिर देखिए USB थिएटरिंग वाला ऑप्शन है, डी हाईलाइटेड है, हमने इसको ऐसे क्लिक किया तो देखिए अभी सर्च कर रहा है, उसके बाद ये हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया। अब देखिए इसमें जो है इंटरनेट सर्च कर रहा है, कैसे इंटरनेट देखिए सर्च कर रहा है, यहाँ पे देखिए सर्च कर रहा है ना, गोलनुमा घूम रहा है इंटरनेट जो है ये सर्च कर रहा है। तो अब देखिए इस तरीके से क्योंकि वायर से कनेक्टेड है तो इसका जो लुक अगर आएगा जो पहले आ रहा था उसके मुकाबले थोड़ा सा ही अलग आएगा। सर्च करने दीजिए क्योंकि हमने अपने इस मोबाइल फ़ोन में थिएटरिंग ऑन कर दिया है। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अब देखिए ये येलो हो चुका है, अभी करते करते येलो वाला साइन थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। और मैंने बोला था ना यहाँ पर जाकर सिंपल आपने दोबारा पूछेगा ये, तो वहाँ वर्क नेटवर्क है इस पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लोज करके और यहाँ पर ये देखिए साइन बदल, कंप्यूटर का साइन आ चुका है। तो अगर आपको चलाना है नेट आप गूगल पर जाइए, गूगल पर क्लिक करिए, यहाँ पर गूगल पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर जा कर के फिर गूगल खोलते हैं हमें, गूगल देखिए हमारा नेट यहाँ चलना स्टार्ट हो चुका, ठीक है। तो पुराने कंप्यूटर में आप इंटरनेट चला सकते हैं केबल के थ्रू और इस वाईफाई डोंगल के थ्रू, बहुत इजी है और आप प्रयास करेंगे तो पक्का आप चला लेंगे। इस प्रकार से आप अपने पुराने कंप्यूटर के अंदर वायर के थ्रू और USB डोंगल के थ्रू इंटरनेट चला सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो बना करके मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में लोग कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखें और कंप्यूटर अच्छे से चला सके और खूब सारा सीखे दोस्तों। वीडियो पसंद आपको आया प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं ऐसी चीज़ें, हो सके वीडियो के माध्यम से वो कुछ सीखे। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।